पलो डैम से ऊपर चला गया पलो डैम से ऐसे पलो डैम से आगे पानी की बोतल गिरा तो मैंने खेलता है ये मैच सुरावरदाद यूनाइटेड के बीच चलता हुआ सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा ढीला सपोर्ट है जीएसएस की टीम को बहुत अच्छे से छुड़ा रहे हैं बॉल ईएमआरएस के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे से और ये हैंड बॉल जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पांगी में फर्स्ट टाइम जो है फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ट्रायंफ यूथ क्लब मंडी तो जब मैं एसडीएम मंडी रही थी तो काफ़ी इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता था स्पोर्ट्स में फुटबॉल में जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स के आयोजन होते थे तो मैंने जब पांगी आई थी तो इन्होंने काफ़ी अच्छा एक इंटरेस्ट जगाया था कि मैम हम पांगी में भी इतने हाई एल्टीट्यूड पे भी 10-11 हज़ार फीट जो हाइट है उस पर भी हम एक स्टेट कम इंटर स्टेट लेवल का हम फुटबॉल टीम्स को बुला के एक टूर्नामेंट करना चाहते हैं तो ये बहुत ही एक अच्छा हुआ कि हम पांगी में फर्स्ट टाइम ऐसा एक आयोजन कर रहे हैं जहाँ फुटबॉल जो है उसका कार्यक्रम हो रहा है अदरवाइज क्रिकेट का मेन स्टे है पांगी में तो हम चाहते थे एक नई जो है वो खेल एक तरह से फुटबॉल जो है वो इंट्रोड्यूस हो सके तो तीन दिन जो है अभी 16, 17, 18 तीन दिन जो है हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे कॉलेज के बच्चे और एएमआरएस के बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग की जा रही है बेबी लीग के नाम से जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है ताकि हम जो हमारी जूनियर एंड सीनियर उन बच्चों को सिखाएं भी और ट्रेनिंग भी दें उसके बाद हमारी जो है मेन लीग स्टार्ट होगी 19th to 21st तो उसमें जम्मू कश्मीर से भी टीम्स आ रही हैं हिमाचल की तो टीम्स हैं ही सो एक पांगी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है जहाँ पे बच्चों को एक नया एक्सपोजर मिलेगा नई स्पोर्ट देखने का सीखने का मौका मिलेगा तो मुझे लगता है जनरली बहुत ही बच्चा इसका फ़ायदा उठा के ज़रूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे स्पोर्ट में फ्यूचर में तो अगेन मैं पांगी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से ट्रायंफ यूथ क्लब का धन्यवाद करना चाहती हूँ ट्राइम फुटबॉल क्लब द्वारा जो राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किलाड़ में फुटबॉल मैचों का आयोजन किया जा रहा है इससे न केवल विद्यार्थी बल्कि हम सब टीचर्स भी बहुत उत्साहित हैं पहली बार ये प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है और ये जो है ये प्रयास मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि यहीं से जब इस लेवल से बच्चे जो है फुटबॉल खेलना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में घाटी से भी बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी उभर कर सामने आएंगे मैं पांगी प्रशासन खासकर हमारी आवासीय आयुक्त मैडम रितिका जिंदलकर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ उनके प्रयासों से ये सब जो है संभव हुआ तो मैं टाइम फुटबॉल क्लब के जो भी अध्यक्ष मेंबर हैं उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि आगे भी जो है इस प्रकार के आयोजन का हमें जो है हम सौभाग्यमान होंगे कि इस प्रकार के आयोजन जो है हमें वो उपलब्ध करवाएंगे और इससे घाटी की जो प्रतिभा है वो निखर कर सामने आएगी अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें वो भी HD क्वालिटी में और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर अमर उजाला निष्पक्ष निर्भी निरंतर